नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ है, बढ़ते हैं आज की खास खबर क्या। बीजेपी ने करजत और पनवेल रेलवे स्टेशनों के बीच शटल ट्रेन शुरू करने के लिए पहला कदम उठाया है, जो करजत और पनवेल तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कोगन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक निरंजन दावखरे, विधायक प्रशांत ठाकुर और विधायक महेश बालादी की मांगों पर शटल सेवा के लिए निरीक्षण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने 2.5 साल से बंद नीरल माथेरान रेल सेवा को फिर से शुरू कराने पर सुरक्षा जांच कराने के भी आदेश दिए हैं। सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से करजत और पनवेल तालुकाओं में रेल के मुद्दों को लेकर मुलाकात भी की थी। प्रतिनिधि मंडल में विधायक निरंजन दावखरे, विधायक महेश बालादी, माथेरान के उप महापौर आकाश चौधरी, नगर अध्यक्ष प्रवीण स्पकार और उपाध्यक्ष किरण चौधरी आदि वहां शामिल भी थे। हालांकि करजत पनवेल रेलवे लाइन पर लंबी दूरी की ट्रेनें चलती है, हालांकि शटल या स्थानीय सेवा की कमी के कारण स्थानीय ग्रामीणों और रहवासियों को यात्रा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, साथ ही क्षेत्र के विकास की सीमाएं हैं। विधायक निरंजन दावखरे, विधायक प्रशांत पाटिल और विधायक महेश बालादी ने इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय से संपर्क भी किया है। तदनुसार सांसद विनय सहस्रबुद्धे के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करजत और पनवेल के बीच रेल मुद्दों पर रेल अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान रेल मंत्री ने करजत पनवेल रूट पर शटल सेवा की शुभारंभ का निरीक्षण करने के लिए निर्देश भी दिए। तो ये थी मेरा आज की खास खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।